सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन के लिए हमने बुकरम ली है। उसकी लंबाई है वो 11.5 इंच है, चौड़ाई है वो 9.5 इंच है। अब हम ये बुकरम को डबल करेंगे। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने निशान लगाया है, इसको हमें और इस तरीके से लाना है और यहाँ से हमें इसका निशान को इस तरीके से मिला के अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने 1-1 इंच पे निशान लगाया है। ये पट्टी को हम बाद में लगाएंगे। अब ये बुकरम को हमें 1-1 इंच तरीके से रखना है। इसको हमें अंदर के साइड दबाएंगे। अभी हम गले को अच्छी तरीके से रख लें और यहाँ पे एक सुई लगा देंगे। अभी हमारा बीच वाला निशान है, जो हमारे बुकरम का ये बीच वाला निशान है, इसको हमें यहाँ पे निशान लगाना है। 1 इंच हमने यहाँ से कम किया है तो ये पट्टी को हमें यहाँ पे लगाना है। जब ये गले का इस तरीके से शेप आएगा, और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे कि एक पट्टी हमने इधर से निकाली है। तो इस पट्टी को जैसे हम, तो ये हमारा जो निशान है गले का वो यहीं पे आएगा। एक निशान हमने यहाँ पे लगा, हमें इसको बराबर करके यहाँ पे बीच में निशान लगा देंगे। इसी तरीके से ये हमारा पीछे का पल्ला है, यहाँ पे निशान लगाएंगे बीच में। और ये निशान को हमें इसको बराबर करके दोनों को मिला लें। और यहाँ पे क्योंकि हमारे गले की लंबाई हमें यहाँ पे 4 पट्टी की यहाँ पे कपड़े को छोड़ना है, पीछे का पल्ला है, इसलिए हमें गले को थोड़ा कम करना है। अब हम यहाँ पे एक सुई लगा लें और बुकरम के नीचे सिलाई लगाते हुए अब हम ये बीच के कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे गोलाई है, वहाँ पे हम कैंची लगा लेंगे। अब ये हम गले को यहाँ पे पट्टी बुकरम पे पहले लगाएंगे, इस तरीके से सेट करेंगे गले को। और हमने अस्तर पे रख के बुकरम पे सिलाई लगा ली है। अब हमें पट्टी को नीचे रखेंगे और बुकरम वाले कपड़े को ऊपर और एक गले पे सिलाई लगाएंगे। इसका हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये इधर फिट करना है। अब हमने पट्टी बनाई है, दोनों साइड हमने सिलाई लगाई है और इसके ऊपर हमें पट्टी को दबा के सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर ये कपड़े को रखेंगे और ये हमने पट्टी लगाई है, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम कट लगा लें कैंची की। अब इसकी हम ये पाइपिंग बना के सिलाई लगाएंगे। अब ये डिजाइन को हम यहाँ पे फिट कर देंगे। और हमने यहाँ पे कच्चे करना है। अब हमने डोरी बनाई है, ये डोरी को हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के लगाएंगे। अब हम इसमें यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं इस तरीके से। दोनों साइड से हमें कपड़े को पट्टी को इस तरीके से टांका लगाना है। ये बन गई हमारे ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।